एग्जाम के अंतिम दिनों में हम सभी अपने सिलेबस को पूरा करने का प्रयास करते हैं और बहुत सारे स्टूडेंट्स अपने सिलेबस के अंदर उन टॉपिक्स को पढ़ना चाहते हैं जो उनके एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू के लिए बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट होते हैं और एग्जामिनेशन में इनका एक बहुत बड़ा रोल होता है। जब हम अपने पेपर को अटेम्प्ट करने जाते हैं इन टॉपिक से हमें कई सारे क्वेश्चंस देखने को मिलते हैं। आज के इस वीडियो में मैं आपका मित्र उज्जवल उपाध्याय स्वागत करता हूं आपका आपके परिवार एपीएन क्लासेस में। आज हम बात करेंगे क्लास 12th फिजिक्स के कुछ इंपॉर्टेंट टॉपिक्स के बारे में जो आपके एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू से चैप्टर बाय चैप्टर मैं आपको बताने वाला हूं कि आपको इन टॉपिक्स को रीड करना है, इन टॉपिक्स को पढ़ना है। सबसे बड़ी बात, ये जो टॉपिक्स हैं वो आपके अपडेटेड और न्यू सिलेबस के अकॉर्डिंग हैं। यदि आप बोर्ड एग्जाम 2023 को टारगेट कर रहे हैं तो आपको इस वीडियो को अंत तक देखना है, अंत तक आपको इस वीडियो में बने रहना है और इन सारे टॉपिक्स को आपको प्रिपेयर करना है। सबसे पहले हम बात करेंगे चैप्टर नंबर 1 इलेक्ट्रिक चार्ज एंड फील्ड की। इसके अंदर जो इंपॉर्टेंट टॉपिक्स हैं जिन पर आपको क्वेश्चन मिलेंगे ही, चाहे वह न्यूमेरिकल्स हो, डेरिवेशन हो, एप्लीकेशन हो, उसका जो पहला टॉपिक है वह है गॉस लॉ एंड इट्स एप्लीकेशन। यहां पर आपको गॉस थ्योरम, गॉस लॉ आपको यहां पर देखने को मिलेगा। दूसरा टॉपिक आपको है डाइपोल इन अ यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड। अब आपको ये एक्सियल, इक्वेटोरियल, ये दोनों चीजें आपको यहाँ पर पढ़नी है, इसके टाइप्स को पढ़ना है। बेसिकली आपको यहाँ पर टॉर्क भी पढ़ना है कि टॉर्क आपको कैसा देखने को मिलता है एक यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड में। अगला जो टॉपिक है वो है इलेक्ट्रिक डाइपोल एंड इट्स एप्लीकेशन। आपको इलेक्ट्रिक डाइपोल के बारे में जानकारी होनी चाहिए और उसके एप्लीकेशन के बारे में आपको जानकारी होनी चाहिए। अब बात करते हैं चैप्टर नंबर 2 इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एंड कैपेसिटेंस के बारे में। सबसे पहला जो टॉपिक है आपको इस चैप्टर के अंदर जो पढ़ना है वह है इनर्जी स्टोर्ड इन अ कैपेसिटर। यहाँ पर आपको इसका फॉर्मूला, कॉन्सेप्ट, ये क्या चीजें बताना चाह रहा है, ये चीजें आपको आनी चाहिए। दूसरी बात, इक्विपोटेंशियल सरफेस, व्हाट इज इक्विपोटेंशियल सरफेस, कहाँ पर आपको चीजें मिलती हैं, इसके जो एप्लीकेशंस हैं, कैसे क्वेश्चंस आपको मिलते हैं, इन टॉपिक्स पे आपको देखना है। अगला पैरेलल प्लेट कैपेसिटर, ये जो तीन टॉपिक हैं ये आपको चैप्टर नंबर 2 से करना है। अब बात करते हैं वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट चैप्टर के बारे में, चैप्टर नंबर 3 करंट इलेक्ट्रिसिटी। इसके अंदर आपको ड्रिफ्ट वेलोसिटी का जो टॉपिक है उसको आपको ध्यान से देखना है, ड्रिफ्ट वेलोसिटी एंड इट्स एप्लीकेशन एंड रिलेशंस बिटवीन ड्रिफ्ट वेलोसिटी एंड अदर क्वांटिटीज। ड्रिफ्ट वेलोसिटी के साथ जो अदर क्वांटिटीज के रिलेशन होते हैं, ड्रिफ्ट वेलोसिटी, करंट, ये सारे रिलेशंस आपको तैयार होने चाहिए। दूसरी जो टॉपिक आपको याद होना चाहिए, इफेक्ट ऑफ टेम्परेचर ऑन रेजिस्टेंस एंड रेजिस्टिविटी। टेम्परेचर के बढ़ने से, टेम्परेचर के घटने से, रेजिस्टेंस, रेजिस्टिविटी, इन सब टॉपिक्स को आपको ध्यान से देखना है। तीसरा जो मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक इस चैप्टर के अंदर है वह है किरचॉफ लॉ। किरचॉफ लॉ आपको याद, आपको आना चाहिए, इसके जो न्यूमेरिकल्स आपको देखने को मिलते हैं, ये दोनों लॉज आपको पता होने चाहिए। अगले चैप्टर पे चलते हैं जो कि आपके मैग्नेटिज्म से है, वह है मूविंग चार्ज एंड मैग्नेटिज्म। तो यहाँ पर आपको पहला टॉपिक जो तैयार करना है वह है मूविंग कॉइल गैल्वेनोमीटर। दूसरा बायो सावर्ट लॉ एंड इट्स एप्लीकेशन, बायो सावर्ट लॉ के जो अंदर एप्लीकेशंस हैं वो आपको तैयार होने चाहिए। तीसरा टॉपिक है मोशन इन अ मैग्नेटिक फील्ड। चौथा टॉपिक है फोर्स बिटवीन पैरेलल कंडक्टर। चैप्टर नंबर 5 की बात करें, चैप्टर नंबर 5 की बात करें मैग्नेटिज्म एंड मैटर के अंदर आपको पढ़ना है सिर्फ एक टॉपिक, मैग्नेटिक प्रॉपर्टीज ऑफ मटेरियल्स। इसके अंदर आपको सक्सेसिबिलिटी, रिसिस्टिविटी, ये सारे टॉपिक्स आपको पढ़ने हैं। चैप्टर नंबर 6 इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन, इसमें आपको पढ़ना है इंडक्टेंस पहला टॉपिक, जिसके अंदर सेल्फ, म्यूचुअल, ये सारे इंडक्टेंस आपको पढ़ने हैं। दूसरा है जो कि आपका थ्योरी पोर्शन है, लेंज लॉ एंड कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी। अगला टॉपिक एसी जनरेटर, इसका डायग्राम, इसकी पूरी वर्किंग। और चैप्टर नंबर 7 पे आते हैं अल्टरनेटिंग करंट, इसके अंदर आपको सीरीज इन एलसीआर सर्किट, पावर इन एसी सर्किट, ट्रांसफॉर्मर्स, ये तीन टॉपिक्स आपको पढ़ने हैं। चैप्टर नंबर 8 जो कि इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स का चैप्टर है, इसके अंदर सिर्फ आपको एक टॉपिक पढ़ना है और यही टॉपिक आपके पूरे चैप्टर का रूट है, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स एंड स्पेक्ट्रम ऑफ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स। चैप्टर नंबर 9 जो कि मोस्ट स्कोरिंग टॉपिक्स है, लेंदी टॉपिक है, लेकिन इसके अंदर अगर हम सही तरीके से पढ़ें तो हम पूरा का पूरा नंबर इसके अंदर स्कोर कर सकते हैं। ऑप्टिक्स की बात करें तो चैप्टर नंबर 9 पहला है रे ऑप्टिक्स, जिसके अंदर आपको ऑप्टिकल इंस्ट्रूमेंट, माइक्रोस्कोप, टेलीस्कोप, रिफ्रैक्शन ऑफ स्फेरिकल सर्फेसेस, तीसरा रिफ्रैक्शन थ्रू अ प्रिज्म, इसके अंदर आपको डेरिवेशन, न्यूमेरिकल, पूरा डायग्राम, पूरा कॉन्सेप्ट आपको समझना होगा। चैप्टर नंबर 10 जिसको बहुत इजी कर दिया गया है सीबीएसई के द्वारा, वेव ऑप्टिक्स, इसके अंदर आपको हाइजेंस प्रिंसिपल, यंग्स डबल स्लिट एक्सपेरिमेंट, इंटरफेरेंस, डिफ्रैक्शन, ये टॉपिक्स आपको पढ़ने हैं।
अगले चैप्टर पे आते हैं, चैप्टर नंबर 11, ड्यूअल नेचर ऑफ मैटर एंड रेडिएशन। ये सब छोटे छोटे चैप्टर हैं, 3-4 मार्क्स में आपको देखने को मिलेंगे। इसमें पहला जो टॉपिक आपको अच्छे से पढ़ना है वह है फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट, और दूसरा टॉपिक आपको है वेव नेचर ऑफ मैटर एंड डी ब्रॉग्ली हाइपोथेसिस। अगला चैप्टर है एटम्स, इसके अंदर आपको बोर्स मॉडल, अल्फा पार्टिकल स्पेक्ट्रिंग एक्सपेरिमेंट, लाइन स्पेक्ट्रम ऑफ द हाइड्रोजन एटम, ये टॉपिक आपको पढ़ना है। चैप्टर नंबर 13 जो कि न्यूक्लियाई का चैप्टर है, इसके अंदर सिर्फ आपको एक टॉपिक पढ़ना है, न्यूक्लियर फिजन एंड न्यूक्लियर फ्यूजन। इस चैप्टर के अंदर आपको इस चैप्टर का रिएक्शन जो आपको दिया जाएगा उस रिएक्शन को आपको कंप्लीट करना होगा, इसके बारे में पूरी जानकारी आपको होनी चाहिए। अगला जो चैप्टर है वह है सेमीकंडक्टर, जिसको सीबीएसई ने बहुत ज्यादा इजी कर दिया है, और इसमें आपको सिर्फ दो टॉपिक्स पढ़ने हैं, रेक्टिफायर एंड पीएन जंक्शन डायोड। पीएन जंक्शन डायोड की पूरी वर्किंग, कंस्ट्रक्शंस, ये सारी चीजें आपको अगर नॉलेज है तो आप ये 14 के 14 चैप्टर्स पढ़ करके अपने एग्जाम में फिजिक्स के अंदर बहुत अच्छा स्कोर कर सकते हैं। मैं आपको एक चलते चलते एक टिप देता हूं, अगर आप फिजिक्स में ज्यादा स्कोर करना चाहते हैं तो आपको प्रीवियस 3 से 5 सालों के पेपर, एक मॉडल पेपर आपको लगाना होगा। इसके साथ ही साथ जो लेटेस्ट सैंपल पेपर जारी किया गया था सीबीएसई के द्वारा, उस पर बेस्ड 3 से 4 सैंपल पेपर प्रैक्टिस कर लीजिएगा, क्योंकि फिजिक्स का पेपर थोड़ा सा आपको डायनेमिक देखने को मिलता है। बोर्ड कुछ ना कुछ नया करने का प्रयास फिजिक्स के पेपर में जरूर करता है। उम्मीद है कि यह वीडियो क्लास 12 के फिजिक्स के सभी स्टूडेंट्स के लिए बहुत बेनिफिशियल होगा। आपको मैंने जितने इंपॉर्टेंट टॉपिक्स बताए हैं उन टॉपिक्स को आप जरूर एग्जाम से पहले तैयार करके जाएंगे, और आप सभी के लिए बोर्ड एग्जाम के लिए हार्दिक शुभकामनाएं। वीडियो अच्छा लगा तो वीडियो लाइक करें, चैनल पर पहली बार आ रहे हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें, नोटिफिकेशन बेल को टैप करें। मिलेंगे अपने अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।